नमस्कार, मैं हूं अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम आक्रोश में। समाज में जब अपराधियों का बोलबाला हो जाए और शासन प्रशासन उसे रोकने में रहे नाकाम, सरकार जब केवल नाम के लिए रह जाए और हर तरफ फैली हो बेकारी अराजकता, जब हर उम्मीद नाउम्मीदी में बदलने लगे, तब खड़ी होती है जनता। कभी कभी सुस्त पड़े शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत पड़ती है और जरूरत पड़ती है आक्रोश की। अन्याय के खिलाफ छिड़ी इस जंग में सामाजिक चेतना और उसके सरोकारों को बचाने के लिए हमने भी बीड़ा उठाया है, हमने भी कोशिश की है अन्याय के खिलाफ इस संघर्ष में आपका भागीदार बनने की, और इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं अपनी ये खास पेशकश आक्रोश। और आक्रोश के में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित जनता ने अब खुद ही फैसला लेना शुरू कर दिया है। इसकी एक वानगी आज कानपुर के जवाहर नगर में तब देखने को मिली जब हैंडपंप में पानी न आने पर कंपनी के अधिकारी को महिलाओं ने बंधक बना लिया। बीच सड़क अधिकारी को कुर्सी पर बिठाकर उसको रस्सी से बांध कर घेराबंदी कर ली। लोगों की मांग है कि जब तक पानी नहीं आएगा तब तक इसको ऐसे ही बंधक बनाकर रखेंगे। दो ढाई महीने से हैंडपंप लगा रहे हैं, हैंडपंप ये सामने लगाया हैंडपंप, ये 10 घंटे पानी नहीं दे रहा, नया हैंडपंप है, एक हैंडपंप आधा अधूरा छोड़ रखा है। कहते कहते कंपनी के अधिकारियों से और अपने जलकल के अधिकारियों से कहते कहते परेशान हो गए। जनता हम लोगों को घेरती है, जनता भी परेशान है, चाहते थे कि दीपावली के पहले हैंडपंप लग जाए, लेकिन ये हैंडपंप लगा नहीं पाए। तो कानपुर का ये मामला है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता इतनी परेशान है कि अधिकारी को बंधक बना लिया गया है और लोग ये कह रहे हैं कि जब तक स्थिति सुधरेगी नहीं तब तक यूं ही हम बंधक बनाकर रखेंगे। जब तक हैंडपंप में पानी ना आएगा तब तक कंपनी का अधिकारी को बंधक यूं ही बनाकर रखा जाएगा। स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति हो गई है। कानून लोग अपने हाथ में ले रहे हैं। तो घटना है कानपुर की, जहां जवाहर नगर में ये मामला सामने आया जब हैंडपंप में पानी न आने पर कंपनी के अधिकारी को लोगों ने बंधक बना लिया और उनका ये कहना है कि हम इन्हें तब तक बंधक बनाकर रखेंगे जब तक हैंडपंप में पानी नहीं आता है। और पाकिस्तान के बार बार सीज फायर का उल्लंघन करने पर युवाओं में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। हर तरफ पाकिस्तान का विरोध किया जा रहा है। गोरखपुर के शास्त्री चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा फूंक कर विरोध जताया। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पाकिस्तानी झंडा फूंकने से रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए। तमाम दोस्ती के प्रयासों के विपरीत जो पीठ में खंजर भोंकने का काम लगातार कर रहा है, उसके विरोध में आज यहां पर पाकिस्तान का झंडा जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी ओर पाक सरहद पर लगातार हो रही फायरिंग का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने सीज फायर के उल्लंघन को शर्मनाक बताया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा करते थे चुनावी सभा में कि मेरा 56 इंच का सीना है और मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा, चाइना को सबक सिखाऊंगा, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाऊंगा। लेकिन आप देखते होंगे कि लगातार वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों में वो उनका कहीं भी इस तरह का कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई भाषण नहीं है। तो दो खबरें हमने आपको एक के बाद एक दिखाए जिसमें एक तरफ बजरंग दल और दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं, उनका आक्रोश दिख रहा है पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर। जगदम्बा हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदम्बा, हम जानना चाहेंगे क्या स्थिति है वहां पे। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और बजरंग दल के नेताओं ने शास्त्री चौक पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका, विरोध जताया कि ये सीज फायर का लगातार उल्लंघन करते चले आ रहे हैं। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने आज प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। जी जगदम्बा, क्या स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ सारे लोग, वहाँ क्या आम लोग भी इसमें एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, आक्रोश उनका भी दिख रहा है?
नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, आम लोग नहीं इसमें भी जुट रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के कुछ नेता और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने आज पुतला फूंका और अपना विरोध जताया। जगदम्बा, ऐसी स्थिति क्या ये भी देखने में आ रहा है कि लोग राजनीति चमकाने की वजह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं या वाकई उन्हें वो लोग आहत दिख रहे हैं? जी हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पहले वादे किए थे वो वादों से खड़े नहीं उतरे। इसी के विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी के जम पे निशाना साधा। जी जगदम्बा, तो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, दो जगह की खबरें हमने आपको बताई, जहां एक तरफ बजरंग दल और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। बजरंग दल पाकिस्तान के झंडे को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, और कांग्रेस कार्यकर्ता भी सीज फायर को लेकर नाराज हैं, उनका भी आक्रोश दिख रहा है। बजरंग दल से पुलिस की कुछ झड़प भी हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की कि झंडा न जलाए, और इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस में थोड़ी बहुत झड़प भी हुई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की नोकझोंक हुई। उन्होंने पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोका, फिर कार्यकर्ता नहीं माने और बाद में उन्होंने झंडा जलाया, जिससे पुलिस से उनकी काफी देर तक झड़पें होती रही। जी, तो पुलिस ने कोई इस पर कार्रवाई भी की या सिर्फ मामला झड़प तक ही रह गया? जगदम्बा, नहीं, फिलहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मामला सिर्फ झड़प तक ही सीमित रहा। जी जगदम्बा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दो खबरें हमने आपको एक के बाद एक दिखाई, जिसमें एक तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ता पाकिस्तानी झंडा जलाकर आक्रोश अपना प्रदर्शित कर रहे हैं सीज फायर को लेकर, पाकिस्तान जो सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता भी पुतला जलाकर अपना विरोध आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं।